आज के जनरेशन में कुछ अलग तरह से लोग उसको ये कर रहे हैं। आपने सॉन्ग गाए हैं तो उसमें आपको क्या फील हुआ कि किस तरह से होगी मूवी ये? आपका सवाल का पहला फर्स्ट पार्ट अलग तरफ था, लास्ट में कुछ कहीं और आ गया, समझ नहीं पा रही क्या जवाब दूँ। भाभी के आप हाँ, तो सॉन्ग हाँ, गाई हाँ, हैं हाँ, इसमें पूरा सॉन्ग आपका है हाँ, हाँ, हाँ। देवर भाभी के रिश्ते के बारे में थोड़ा सा आपको अनुभव हो गया? बहुत चुलबुला, मुझे भोजपुरी ये मैं संगीत की दुनिया मेरे लिए एक लाइफ है, मेरे जीवन की एक यात्रा है। वो चाहे मैं छत के गीत कभी गाई, पचरा गाई, देवी भक्ति के गाए, बोलबम के तो गीत के बारे में बोलना ही नहीं है। उसी से जैसे मैं आई भोजपुरी संगीत की दुनिया से एक परिचय जो हुआ, और होली के गीत मैं बहुत गाई। मुझे भोजपुरी संगीत में बोलूँ, भोजपुरी संगीत में मुझे एक कंप्लीट जीवन जीने का, कभी मैंने आपके आपको किसी की प्रेस ही कम है, माइक के सामने मैं कभी प्रेमिका बनती हूँ, कभी मैं माँ बनती हूँ, कभी जैसे ऐसा भी मौका आया जब जैसे कई निर्गुण भाव है, किसी की अर्थी जा रहा है, उसमें माँ क्या सोच के, बूढ़ी माँ क्या गा रही है, क्या भाव है, वो भाव को भी निभाने का एक मौका, तो अलग अलग चरित्र जीने का माइक्रोफोन में एक मौका मिला। तो थैंक्स, मैं भोजपुरी को थैंक्स, और इस फिल्म के बारे में तो जैसे मैंने पहले बोला कि अलग अलग रंग रस में मैं डूबी हूँ, डूबने का मौका मिला। दो दो सब थोड़ा सा गा के ऑडियंस को सुना दीजिए। आज जो टाइटल आज जो गाई हूँ ना उसका, या पहले क्या गाई हूँ कुछ भी, बोलबम का जो आज दो गाने हुआ है, बोलबम का तो वो दूसरा फिल्म का गाना है। हाँ, टाइटल सॉन्ग साले ला सा नहीं, बहुत अच्छा गाना था, और क्या क्या गाना है इसमें पता नहीं, लिरिक्स चाहिए मुझे याद नहीं रहता है। इस फिल्म से बहुत रिलेटेड नहीं, लेकिन भोजपुरी संगीत से रिलेटेड है। एक बहुत लोगों को, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, जागृति की एक कमी है कि हमारे गांव देहात के लोगों को व्हाट इज़ एमटीवी पता नहीं है बहुत। लेकिन ये खुशखबरी मैं आपके चैनल के थ्रू मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस बार एमटीवी कोक स्टूडियो में, कोक स्टूडियो एक ऐसी संगीत का प्लेटफॉर्म है जहाँ देश विदेश के या गांव देहात के अंदर छुपे हुए बहुत सारे कलाकार, जैसे एक समन्वय की एक प्लेटफॉर्म है, पहली बार भोजपुरी बिरहा को, खड़ी बिरहा जो अभी लुप्त प्राय है, खड़ी बिरहा को लाने की हम लोगों ने कोशिश की, और कोशिश किया गया, एक सफल कोशिश हुआ, ऐतिहासिक क्षण था। और लास्ट 7 जून को टेलीकास्ट हुआ एमटीवी कोक स्टूडियो में, पहली बार भोजपुरी बिरहा, खड़ी बिरहा का प्रसारण हुआ, और बहुत ज़ोर शोर से पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। और मैं चाहती हूँ ये चीज़ें हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको वो सुने उनको, क्योंकि एक तरह से एक मार्ग होता है, जैसे मैं भी सीखते जा रही हूँ और मुझे जो सुनते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी उस तरफ जाए। तो एंथोलॉजी ऑफ बिरहा बोल के हमने एक प्रोजेक्ट किया था, उसके ऊपर एमटीवी कोक स्टूडियो में ये गीत गया। मैं चाहती हूँ कि सब लोग सुने और देखे समझे और आगे की यात्रा खुद तय करे। सो मैं चाहूँगी आपको मैं वो वीडियो दूँ, या लिंक यूट्यूब में मिलेगा तो उसका भी हो जाए। बट आपका सुपरहिट गाना कोई एक लाइन? सुपरहिट गाना तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, अभी लास्ट ईयर का गंदी बात एक हिट सॉन्ग था, और इस बार निरहुआ हिंदुस्तानी नहीं, पटना से पाकिस्तान का बहुत अच्छा गाना एक लोगों ने पसंद किया अभी। हम हई पिया जी के पतरी तेरे आवा, पियावा हमार पतरेंगवा हो, हम हई पिया जी के पतरी तेरे आवा, बहुत सारे गाने हैं उसमें, तो सब गाने लोगों ने पसंद किया है, बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, अब देवर बिना ना नासु बराए टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा शुभकामनाएं उनको दे दीजिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग। एकदम हर वो भोजपुरी फिल्म के निर्देशक निर्माता को शुभकामना, इसके लिए नहीं कि फिल्म आगे चले, अच्छा वो तो चले ही, लेकिन ये बहुत हिम्मत की बात है, एक ओरिजिनल भाषा होने के बावजूद बॉम्बे से ऑपरेट करना उसको, उस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड जहाँ से ऑपरेट हो रहा है उसी शहर से आप ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर अपने गांव से देश से आके यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, तो ये मतलब क्या बोलूँ, ये एक तरह से एक संघर्ष है, और सब लोग बहुत ही मतलब एक हिम्मत से सब लोग आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पूरे फिल्म की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और सब अच्छा होगा।